हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल अजिंक्य। बहुत सही वाला मौसम है, बारिश ऑलमोस्ट रुक गई है एंड अच्छी खासी धूप निकली है रोड के ऊपर। सोचा कि चलो यार जाके मस्त आराम से एक छोटा सा राइड करके आते हैं, तो इसीलिए अभी मैं फिलहाल हाईवे पे खड़ा हूँ एंड मेरे साथ है मेरी डियर वाइफ मनीषा। तो आज हम दोनों का प्लान है कि बदलापुर के आगे एक कोंडेश्वर करके टेम्पल है जहाँ पे काफ़ी अच्छा नेचर रहता है एंड जो वेदर है वो भी काफ़ी सही रहता है। तो ये जो कोंडेश्वर जगह है ये है बदलापुर गांव के जस्ट अराउंड 5 किलोमीटर्स आगे, जहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ लेकिन इसको फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ। तो होप सो कि पसंद आएगा एंड आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो चलते हैं रोड के ऊपर। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैं बदलापुर एंड अंबरनाथ के बॉर्डर के ऊपर एंड कुछ पनवेलकर ग्रुप या फिर ऐसे कुछ यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। यार काफ़ी बड़ा हो गया बदलापुर एंड अंबरनाथ, ये जो दोनों सिटीज़ है काफ़ी ब्रॉड हो गई है। मतलब पहले एक दूसरे में काफ़ी डिस्टेंस था अराउंड 10 किलोमीटर का शायद से, अभी लाइक यहाँ पे अंबरनाथ ख़त्म हो गया यहाँ पे बदलापुर की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों अगर कभी आपको मालशेज घाट जाना है ना तो ये वाला एक रूट है मतलब टूवर्ड्स अंबरनाथ एंड वहाँ से आगे आपको डैम है बारवी डैम से। अरे यार ये क्या कर रहा है। यस तो आगे जाके बारवी डैम है, बारवी डैम से मुरवाड़ जाने के लिए एक रोड है, अगर वो रोड पे आप जा सको ना तो डेफिनेटली वो रोड से आप मानसेस घाट जाइए। आपको डेफिनेटली इतना अच्छा मदर नेचर देखने को मिलेगा और इतना मज़ा आएगा ना कि ट्रस्ट मी गाइस बहुत मज़ा आ जाएगा। और नेचर तो देखो यार पूरा ग्रीनरी हो चुका है। यस अभी एक्चुअली सीजन स्टार्ट हो गया है राइडिंग के लिए, तो अभी जो भी सब राइडर्स पूरे बारिश के मौसम में घर के अंदर छिपे हुए थे इंक्लूडिंग मी यस मे बी, तो वो सब के सब अभी बाहर निकलेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे घूमेंगे और आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स लाएंगे। यहाँ पे होता है बदलापुर खत्म और हमें जाना है टुवर्ड्स करजत नेरल वांगनी। गाइस ये बदलापुर ईस्ट है ओके, सो बदलापुर ईस्ट से करजत के लिए एक रोड जाता है, वो रोड पे जो भी फर्स्ट विलेज आएगा वो फर्स्ट विलेज से आपको राइट लेना है एंड वाह बढ़िया बहुत बढ़िया रोड बना के रखा है। जैसे ही आप आगे आ जाते हो अराउंड 1 किलोमीटर और 700 मीटर्स तो आपको ये एक गांव लगेगा खरवई, तो खरवई करके कोई गांव है, यहाँ से आपको राइट में जाना है एंड देन ये जो रोड है ये रोड स्ट्रेट जाता है टू कोंडेश्वर। आई होप सो आपको दिख रहा होगा कोंडेश्वर 3 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट। तो यस जगह जगह पे बोर्ड्स और ये सब लगाए हुए हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यार रोड नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ एंड रोड कंडीशन भी यार जब भी मैं लास्ट टू लास्ट ईयर आया था जब भी मेरे पास RC हुआ करती थी तो मैं RC पे आया था, ये पूरा रोड ऑफ रोड था एंड बॉस RC के ऊपर जो मेरी हालत हुई थी आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अभी आई बटन में भी आ रहा है तो देख लो यार एक बार। हो अब इनके सींग तो देखो भाई। नेचर देखो एंड ये है एक छोटा सा डैम बोल सकते हो आप इसको। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोग कोंडेश्वर पहुंच चुके हैं, कोंडेश्वर अराउंड 1 या 2 किलोमीटर ही आगे रह गया है एंड यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे मैंने काफ़ी मस्ती की है एंड जो कॉलेज डेज थे यार हम लोग यहाँ पे खड़े होके
तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे छलांग लगाते थे एंड देन यहाँ से ऊपर चढ़ के अगेन सेम। तो कॉलेज डेज में यार यही करते थे, मतलब ये जो पिकनिक स्पॉट था आप बोल सकते कि एक वन ऑफ द माई फेवरेट पिकनिक स्पॉट था जब भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। एंड भाई आप बताओ यार आपको कैसे लग रहा है, आपको फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लेके आया हूँ मैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी तो मुझे पसंद है। अच्छा, हमेशा ये ग्रीनरी की प्लेस नहीं लेके आता। ऐसा नहीं है, मुझे कंक्रीट का जंगल पसंद नहीं है। सो दोनों को पसंद एक ही है, ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। तो काफी बढ़िया है यार, मतलब व्यू देख लो, अराउंड 360 डिग्री का व्यू देख लो, मजा आ रहा है। हाँ बस यहाँ पे अभी अगर थोड़ी सी बारिश के साथ गर्मा गर्म भजी मिले। चलो आगे कोंडेश्वर मंदिर के यहाँ पे जाते। सो गाइस ये जो ब्यूटीफुल जगह थी उसके छोड़ने का टाइम हो गया है एंड आगे बढ़े जा रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा पहाड़ है, जस्ट बदलापुर सिटी के 5 किलोमीटर्स आगे आपको इतना बड़ा पहाड़ एंड इतना ब्यूटीफुल नेचर देखने को मिलेगा। वो फाइनली रोड ख़त्म हो गया। यस, ये जो आप रोड देख रहे हो ना ऐसा कुछ रोड था पहले। ये जो रोड है ये ऐसे पहाड़ों पहाड़ों से जाके वहाँ पे टेंपल है वहाँ पे जाएगा एंड लुक एट द व्यू, मतलब जस्ट व्यू को देख ही लो यार, क्या सही दिख रहा है। मतलब यहाँ पे छोटा मोटा खेत खलियान है आई गेस, वहाँ पे उन्होंने राइस लगाया है। यस, और ये रहे बड़े बड़े सह्याद्री के पहाड़। सो अभी यहीं पे कहीं पे तो पार्किंग का जुगाड़, यार मेरे को अच्छी जगह पे पार्किंग चाहिए यार, यही ठीक है। पूरा पत्थर है एंड यहाँ पे इनसाइड ये टेंपल है, ये पूरा पत्थर को काव करके इसको बनाया गया है। सही है, मतलब मुझे तो पूरा झुकना पड़ रहा है एंड पूरा टेंपल। चलो यहाँ से बाहर निकल दे यार, 2-3 बार सर लग गया मेरा। जब भी मैं अराउंड 2-2.5 साल पहले आया था तो ये जो बना हुआ है ये ऐसा कुछ भी नहीं था एंड ये टेंपल को भी इतना अच्छे से बनाया हुआ नहीं था। ये जो आपको पानी दिख रहा है यहाँ पे यही सेम यहाँ पे भी था एंड वो पानी में से चल के हमें आना पड़ता था। तो यार वो टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था मंदिर तक आना एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो तो ये एक मंदिर है छोटा सा जो कि आप प्रॉबेबली जब भी धूप रहता है वो टाइम पे आप जा सकते हो एंड यहाँ से ऊपर से पानी आता है। तो ये ऊपर कहाँ से पानी आता है वो भी मुझे पता है, तो वहाँ पे भी अपन जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये जो अभी आप देख रहे हो ये पूरा फेंसिंग किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढे हैं जो कि समझ में नहीं आते एंड पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो जो कोई खुराफती बच्चे रहते हैं वो आगे जाते हैं अपनी बहादुरी दिखाने और वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आप ये बोर्ड पढ़ सकते हो। सो प्लीज़ यार अगर आते हो ऐसे कोई जगह पे तो जस्ट एंजॉय करो, अपनी बहादुरी कहीं और जाके दिखाना। यार ये कितना डिफिकल्ट काम करना पड़ता है, ये पानी की वजह से वो बंदा आ नहीं पा रहा है।
बहुत बुरा लगता है जब ऐसे कुछ दिखते हैं तो, एंड पीछे से एक लेडी भी आ रही है। सो दोस्तों, पहले हम आए थे ये वाले रास्ते से एंड अभी हमें जाना है यहाँ पे ऊपर। तो ऊपर के लिए ढलान जो है वो काफ़ी स्टिफ है। अंदर ऊपर जाके जो मैंने आपको मंदिर से यहाँ से बताया था ना कि ऊपर का रास्ता, वहाँ पे आपको जाने के लिए जगह मिलता है। ओहो, काफ़ी बुरा हाल है रास्ते का, पूरे बड़े के बड़े स्टोन्स है। पकड़ून बस, सो ये है लोकल विलेज एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे सब लोगों ने गाड़ियाँ लगाई है और वहाँ से फिर चल के जाना पड़ता है आगे। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। मतलब पूरा जो पहाड़ है वो पानी से गीला गीला हो गया एंड जब भी उसके ऊपर सूरज की किरणें गिर रही है तो वो सब रिफ्लेक्ट कर रही है, सब चमक रही है। कशी आहे जागा? खूप छान। मराठी ऑडियन्स साठी एवढंच मराठी मध्ये, बाकी अभी हिंदी। खूप मस्त आला। दोस्तों देख लो यार, एक बार 360 डिग्री देख लो, क्या व्यू है एंड पूरा एकदम शांति ही शांति है। अपनी डोमिनार यहाँ पे लगाई है मैंने। गाइस ये देखो क्या हो रहा है, ये मुर्गा मेरे गाड़ी को क्यों देखे जा रहा है भाई, हो क्या रहा है? मतलब एकदम स्टैंड स्टील में देख रहा है भाई, चलाएगा क्या? सो अभी यहाँ से गई तो नीचे जाने के लिए रोड है और ढूंढना पड़ेगा। अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, ये रोड के ऊपर आगे जाना है। हाँ, आई गेस अराउंड 500 मीटर 1 किलोमीटर, देखते हैं जितना भी है। बड़ा ये रोड के ऊपर यार ज़्यादा पब्लिक नहीं है, आई गेस सैटरडे संडे नहीं इसलिए, देख सकते हो आप यार। सो दोस्तों, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीच में थोड़ा एक खड्डा टाइप है, तो यहाँ पे शायद से वो जो रिवर के बारे में मैं बात कर रहा था वो होनी चाहिए। एंड ये कुछ शैक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग सैटरडे संडे को आते हैं तो उनका साइड से यहाँ पे स्टोर्स रहते रहेंगे। तो ये देख के तो मुझे कंफर्म हो गया है कि यहीं पे रहेगा। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यार, देखो ये है नज़ारा। और ये जो आप यहाँ पे नीचे पानी जाता हुआ देख रहे हो, तो जो टेंपल था जो नीचे हम लोग गए थे वो यही से नीचे था। सो यस, कैसा लगता है मंडली? एंड अभी प्लानिंग तो ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे यही पानी के अंदर किसी न किसी पत्थर के ऊपर और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा बहुत टीपी करेंगे एंड इसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलो, एक आधा टाइम लैप्स लेने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था और रिलैक्स करना था वो हो गया है एंड एक चुस्की चाय के साथ यहाँ से निकलेंगे। सो चाय कैसे पीते हैं? चाय पी के हो गया है, काफ़ी टेस्टी चाय था। मतलब जिंजर और ये सब डाल के मसाला विसाला जो चाय बनती है ना यार, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड अभी फिर से ट्रैक करना है ये रास्ते से ऊपर, चलो करते हैं। A few moments later. So, दोस्तों अभी टाइम हो गया है बाय करने का इतनी ब्यूटीफुल जगह को
एंड सच में यार काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। यस यहाँ से आइए तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड यार मौसम भी काफ़ी बढ़िया था, मौसम ने काफ़ी साथ दी कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। एंड आपको कैसे लगा ये फर्स्ट राइड, आपका फर्स्ट ऑफिशियल राइड? मुझे तो अच्छा लगा, कैमरे को फेस करने की आदत नहीं है तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस उसमें भी था। नहीं, मेरी लाइफस्टाइल और फैमिली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्ट करेगी बाकी सब अच्छा था, मज़ा आया। और ये जगह, जगह तो के बारे बहुत में? ही खूबसूरत है। ओके ठीक है गाइस, तो चलो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। आई होप सो कि नेक्स्ट 2 डेज में फिर से एक वीडियो डाल पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।